कोटि कोटि प्रणाम। हेलो, हाँ बताइए। कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ प्रधानमंत्री जी, हेलो, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष जो है, विपक्ष विपक्ष वो बहुत तमाम झूठी खबरें फैला रहा, भ्रम फैला रहा है, और उसकी मंशा यही है कि सरकार और सरकारी कार्यक्रमों पर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो। हम उसके इस मंशा को कैसे बेनकाब करें? देखिए ओम प्रकाश जी, ये 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 सवाल भले आपने पूछा होगा, कभी कभी हमारे कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल उठता है। कांग्रेस सरकार के रूप में भ्रष्ट और विफल थी, ये हम पूरा देश जानता है। पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने अहंकारी, जनता से कटी हुई, संवेदनहीन और पूरी तरह से नाकाम विपक्ष की भूमिका निभाई है। इनका एजेंडा है सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालो, झूठी खबरें फैलाओ, उनको बार बार जोर जोर से रोज रोज दोहराओ, लोगों को गुमराह करो। 17 साल में कांग्रेस ने जो इकोसिस्टम खड़ा किया है वो इस देश का हर नागरिक जानता है, और इसलिए कांग्रेस के सही गलत एहसानों तले तबे जो दबे हुए लोग हैं उनके लिए उनके गीत गाने के बिना कोई रास्ता नहीं है, और वो गाजे बाजे बजाने वाले कुछ लोग उनके गीत भी गा रहे हैं। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि पिछले कुछ दिनों में उनके झूठ के पिटारे में से कैसे हवा निकल चुकी है। अब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू, सरदार वल्लभ भाई का पटेल का स्टेच्यू, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति उनकी नफरत इतनी नफरत कि अब स्टेच्यू पर भी गाली गलौज करने लग गए। उन्होंने बता दिया मेड इन चाइना है, और दुर्भाग्य की तो बात यह है कि मैंने एक एनआई का ट्वीट देखा, उसने कहा है कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरदार पटेल की प्रतिमा एक तरफ कहते हैं चाइना मेड, और फिर तुरंत कहते हैं जैसे चाइनीज लोगों के जूतों को लोग देखते हैं। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम, उनकी प्रतिमा, ये चाइना मेड जूतों के साथ करेंगे हम लोग? अपने झूठ को चलाने के लिए बेशर्मी का सहारा ले रहे हैं। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी इन्होंने सरदार साहब को याद तक नहीं किया, और जब देश आज उनका सम्मान कर रहा है तो ये बात इनसे हजम नहीं हो रही है। आपको इनके एक और झूठ के बारे में बताता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे सिक्किम में देश के 100वें एयरपोर्ट को शुरू करने का अवसर प्राप्त हुआ। सिक्किम में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पाक्योंग एयरपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। अब इस पर भी झूठ फैला रहे हैं। बुलेट ट्रेन पर भी इन लोगों ने ऐसे ही अफवाह फैलाई कि बुलेट ट्रेन की फंडिंग रोक दी गई है। न देने वाले ने कुछ बोला और न लेने वाले ने कुछ बोला, बिना किसी तथ्य के इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम शुरू किया है। इनके झूठों की तो लंबी लिस्ट बन सकती है। याद करिए, जैसे ही देश का गरीब बैंक और बैंकों की व्यवस्थाओं से जुड़ा, उन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया कि बैंकों में अब आपका पैसा सुरक्षित नहीं है, आपका पैसा सारा डूब जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
पीएम जय, आयुष्मान भारत, इस पर भी झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। ये सब मैं आपको पिछले कुछ दिनों के ही झूठ बता रहा हूं। हर रोज प्लानिंग के साथ अपने पूरे कुटुंब को लेकर के, पूरे इको सिस्टम को लेकर के ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लोगों को गुमराह कर, देश में भ्रम का वातावरण बनाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को आत्मविश्वास के साथ इसका डट करके सामना करना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को और जागरूक होना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, विषय की गहराई तक जाकर तथ्य समझने की आदत डालनी होगी। तभी आप बार 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 बोले जा रहे झूठ का जवाब दे पाएंगे। आप ऐसा कीजिए, अभी मैंने ऊपर जो झूठ गिनाए इनसे जुड़े सही तथ्यों का पूरा ब्यौरा लेकर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, मेरे साथ नमो ऐप पर आप उसको शेयर कीजिए। और यह काम कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर कीजिए, रोज कीजिए, स्थानीय स्तर पर उसको, ये जो झूठ चलाते वाले लोग हैं उनका जवाब हर स्तर पर दीजिए। मेरे कार्यकर्ता साथियों, नमो ऐप पर पिछले महीने ही कार्यकर्ताओं के लिए बहुत से नए फीचर डाले गए हैं। आप रोजाना 20 से 30 मिनट उस नमो ऐप पर आप जाकर के देख लीजिए, उस दिन की पॉजिटिव न्यूज, फैक्ट चेक आदि को पढ़िए और अपने ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के सारे ग्रुप में उसे डालिए। हर चीज 12 भाषाओं में उपलब्ध है। ज्यादा से ज्यादा रीजनल लैंग्वेज उसी का उपयोग कीजिए और उसी से शेयर कीजिए। बूथ हो, मंडल हो, शक्ति केंद्र हो, जिला हो, राज्य हो, जिन जिन ग्रुप में आप नमो ऐप पर हैं उसमें एक्टिव रहिए। जो टास्क आती है उन्हें खुद पूरा कीजिए और दूसरों को मोटिवेट कीजिए कि वो भी करें। अपने बूथ के वोटर्स को ऐप से जोड़िए, उनको डोनेशन देने के लिए, अगर कुछ मर्चेंडाइज चीजें खरीदने हैं, अपने ओपिनियन देने हैं, उसके लिए भी मोटिवेट कीजिए। आपके स्थानीय कार्यक्रमों को नमो ऐप के माध्यम से ऑर्गेनाइज कीजिए।